यहाँ पे देखेंगे क्या होता है जब एथेनल का अपचयन कराया जाता है। तो यहाँ पे हम जो हमारा एथेनल होता है, एथेनल का आप चार प्रकार से ऑप्शन देखने वाले हैं जो आपका मध्य प्रदेश एग्जाम 2019 में फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे एथेनल का अपचयन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले जो अपचयन होता है, इस अपचयन को हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्लीमेंसन अपचयन। तो इतना तो आप समझते होंगे, अपचयन यानी हमें किसके साथ क्रिया करानी होती है, हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करानी होती है। तो पहला जो आपका अपचयन है इसको हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लीमेंसन अपचयन किस प्रकार होता है। तो जब एसिड एल्डिहाइड को जिंक अमलगम, और जिंक अमलगम यानी जो आपका होता है जिंक अमलगम किसे कहते हैं, तो जिंक अमलगम के लिए हम कहते हैं ZnHg, ये आपका क्या हो जाएगा, जिंक अमलगम हो जाएगा। तो जब एसिड एल्डिहाइड को जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है, किसके साथ गर्म किया जाता है, सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है। किसको गर्म कर रहे हैं, एसिड एल्डिहाइड को गर्म कर रहे हैं। तो एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया हमारा एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO। इस प्रकार से आप इसको याद कर चुके होंगे। अब इसका हम अपचयन करा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, 4H हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 4H। H यानी अपचयन कराया गया है, और जो रिएक्शन है रिएक्शन को कंप्लीट संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया गया है। तो यहाँ पे बनता क्या है, एथेन बनता है। किसका निर्माण होता है, एथेन का निर्माण होता है। एथेन का हम फॉर्मूला लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां से भी 2H आ गए, यहां से 2H आ गए। अभी यहां पे कितने H बचे, 2H शेष बचे और एक ऑक्सीजन है। 2H और एक ऑक्सीजन मिलते हैं तो H2O का क्या कहते हैं, निर्माण कहते हैं। तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा अपचयन दिया गया है, क्लीमेंसन अपचयन दिया गया है। इसके बाद हम दूसरा अपचयन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे समीकरण पढ़ेंगे, दूसरा समीकरण जिसे हम वुल्फ किस्नर अपचयन के नाम से जानते हैं, वुल्फ किस्नर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो अपचयन देखने वाले हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, वुल्फ किस्नर हो जाएगा, वुल्फ किस्नर अपचयन। अब आइए देखते हैं कि जो आपका वुल्फ किस्नर अपचयन होता है, वुल्फ किस्नर अपचयन में होता क्या है। अब वुल्फ किस्नर अपचयन में यदि देखा जाए तो एथेनॉल का जो अपचयन किया जाता है, ये एथेनॉल का अपचयन हाइड्राजीन के साथ किया जाता है, हाइड्राजीन के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्राजीन का फॉर्मूला, तो हाइड्राजीन के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे N2H4, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम एथेनॉल का फॉर्मूला लिखते हैं। एथेनॉल का आपका सूत्र समीकरण को समझने के लिए इजी वे में यानी सरल लैंग्वेज में यहाँ पे आपका लिखा जाएगा, यानी क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड करके फिर सी लिख देंगे, फिर डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। वैसे हम इसको CH3CHO डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन हमने समीकरण को सिंपल बनाना है तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसका क्या कराया जाएगा, हाइड्राजीन के साथ अपचयन कराया जाएगा। हाइड्राजीन का फॉर्मूला N2H4 के रूप में आप लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको भी हम तोड़ के लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन के चार और नाइट्रोजन के दो करने हैं, तो हम इसको समझने के लिए थोड़ा अलग प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 यहाँ पे हो गया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, माने H2N सिंगल बॉन्ड NH2, तो टोटली क्या हो गया, N2H4 हो गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया हाइड्राजीन का। इसके साथ आप क्या कर देंगे, गरम कर देंगे। ठीक है भैया, गरम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें ये किसका निर्माण हो गया, H2O बन गया। तो यहाँ पे आप माइनस में क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, H2O। ये आपको H2O समझ में आया, कैसे बना दिया गया, H2O को इस प्रकार से बना दिया गया।
अब बाकी का जो अपना फॉर्मूला है इसको हम जैसा का ही तैसा लिख देंगे, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एच, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एन हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड एन एच टू हो जाएगा। ये हमारी स्थिति यहाँ पे हो गई। अब इसको भी हमें क्या करना है, अभी इथिलीन ग्लाइकोल के साथ गर्म करना है, तो इसके आगे अभी हम फिर से तीर का चिन्ह लगाएंगे और इसके ऊपर आप क्या लिख देंगे, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल के साथ गर्म करेंगे, गर्म करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तीर के चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो जैसे ही इसके साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होता है, एथेन का निर्माण होता है, एथेन यानी सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते थे, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते थे सी टू एच सिक्स। अब साथ में आप यहाँ पे देखेंगे सी एस थ्री एक ये हो गया और सी एच और ये एच थ्री सी एच एच टू और एच सी एस थ्री। अब बाकी के केवल क्या बचे, N2 बचा, प्लस में आप क्या लिख देंगे, N2 लिख देंगे। ये जो अपचयन था, इस अपचयन का हमारा नाम क्या होता है, वुल्फ किसनर अपचयन होता है। क्या होता है, वुल्फ किसनर अपचयन। अब हम अगला अपचयन देखेंगे जिसका जिसमें हमें देखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा हम क्या करेंगे, एथेनल का अपचयन करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाता है। तो एथेनल का हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, ये अपचयन किसके द्वारा है, एल आई ए एल एच फोर के द्वारा है। किसके द्वारा हो जाएगा, एल आई ए एल एच फोर के द्वारा एथेनल का अपचयन। तो यहाँ पे आप देखेंगे एथेनल यानी सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। टोटली तो हमारा सूत्र लिखा होता है सी एच थ्री सी एच ओ, लेकिन हमको सरल बनाना है समीकरण, इस कारण हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसका हम अपचयन कराएंगे, अपचयन के लिए यहाँ पे आप 2H लिख देंगे, केवल H लिखेंगे, फिर बाद में समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो हम 2H इसको साथ में ही लेके चल रहे हैं। ये आपका 2H लिखा हुआ है। अब ये जो उपस्थिति है किसकी है, यहाँ पर एल आई ए एल एच फोर की उपस्थिति है। इसकी उपस्थिति में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये अपचयन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अपचयन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एथेनॉल का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। कैसे होता है, ये हाइड्रोजन के आपके दो हैं, ये इसके साथ लिख देंगे। तो यहाँ पहले तो हम सी एस थ्री का सी एस थ्री लिख देंगे, ये सी एस थ्री का सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड, ये सी हो गया, इस सी के साथ हाइड्रोजन के दो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सी एच टू। अब क्या बचा, ये बचा ओ एच, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ एच, यानी ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसका हो जाएगा, एथेनॉल का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एथेनॉल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा जब कराया तो हमें यहाँ पर किसकी प्राप्ति हुई, एथेनॉल की प्राप्ति हुई। अब आप अगला अपचयन देखने वाले हैं, तो अगले अपचयन में आप देखेंगे एल्डिहाइड का जो हम अपचयन देखेंगे, एल्डिहाइड यानी एथेनल। एथेनल एक आईयूपीएसी नाम होता है और एल्डिहाइड उसका साधारण नाम होता है। तो अगला यहाँ पे आप अपचयन देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपचयन किसके द्वारा करेंगे, एन ए एच जी और एच टू ओ द्वारा कराएंगे। किसके द्वारा कराएंगे, एन ए एच जी और एच टू ओ के द्वारा क्या कराया जाएगा, अपचयन कराया जाएगा। कराना किसका है, एल्डिहाइड यानी जिसको हम एथेनल कहते हैं, इसका हम कराते आ रहे हैं अभी। तो फिर से यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और यहाँ पे अभी लिखेंगे आप टू एच। एच यानी अपचयन कराया जा रहा है, और सीधा हम पिछले में भी आप देख रहे थे जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करा रहे थे तो वहां पे भी आप दो का गुणा कर रहे थे, यहाँ पे भी हम दो का गुणा कर रहे हैं।
तो वहां पे भी हमारा एथेनॉल बना था, यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, एथेनॉल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एथेनॉल का निर्माण होगा, एथेनॉल जिसको हम प्राथमिक एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH सेम स्थिति है। ये समीकरण आपको पुराने समीकरण में अभी इसके जस्ट पहले ही समझाया गया था, सेम सिचुएशन दोनों के साथ होने वाली है, चाहे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराएं या फिर सोडियम मरकरी और H2O के साथ इसका अपचयन कराया जाए। तो ये आपने अभी अपचयन देखा, एथेनॉल का अपचयन हमने देखा चार प्रकार से। तो यहाँ पे कौन कौन से नए पदार्थ आपके बन रहे थे।